कुछ भी हो जाए नट जरूर टाइट कीजिएगा। यूपी बंगाल में भी दंगा करवाना चाह रहे थे, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, आपके औकात है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, आप एक ट्रेन एक जैसा नहीं बना सके। आप जाइए संपूर्ण क्रांति में, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, एसी थर्ड पूछो पहले सरकार से, जब सबके लिए एक व्यवस्था है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके लिए है? सीमा के बारे में आप क्या कहते हैं? अब हम कुछ नहीं कहना चाहते तो वो रोए मरे जहन्नम में जाए, हम क्या करें? आपको भी सीमा से प्यार हो गया क्या? ये जो मणिपुर का ड्रामा है, ये जो गुजरात में दिखाया गया था दृश्य, ये ही सब तो हिंदू राष्ट्र में होगा? और सब्जी जो महंगा हो गया मियां मुसलमान ने कर दिया, मेट्रो का किराया महंगा हो गया मियां मुसलमान ने कर दिया, अयोध्या खत्म हो गया तब काशी आएगा, काशी खत्म होगा तो मथुरा आएगा। कचरे से रोटी उठा के खा रहा, मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। बहुजन सरकार, दलित प्रधानमंत्री और बहुजन सरकार, ये हमारा मैनिफेस्टो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अली सरवर जी, जो कि काफी खुलकर हर मुद्दे पर बात करते हैं। इनसे बात करेंगे और सबसे पहले जानेंगे सीमा हैदर के बारे में क्या कहेंगे। वो रो रही हैं और बोल रही हैं कि एटीएस से परेशान है, वो जासूस नहीं है, वो रोने लग गई हैं। सीमा हैदर से आपका क्या रिश्ता है? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सभी क्या रिश्ता है? राष्ट्रीय भाभी बना दी गई है। जब आपका रिश्ता नहीं है, आपका रिश्ता है पहले बोल दीजिए हाँ या नहीं कैमरे पर, नहीं है मेरा भी रिश्ता नहीं है तो वो रोए मरे जहन्नम में जाए, हम क्या करें? आप गोदी मीडिया की तरह एक महीना हो गया सीमा हैदर देश जल रहा, आप सीमा हैदर आपको याद आ रहा, आपको भी सीमा से प्यार हो गया क्या? देश को प्यार है, वो बॉर्डर की दुर्भाग्य है थू है ऐसी बेहया बेशरम बेलज्जी औरत पर, जो मैंने 4-5 मर्दों को बदल के आज सचिन के पास पहुंची है, जो अपने बाप की नहीं हो सकी, जो अपने भाई की ना हो सकी, जो अपने बच्चों की नहीं हो सकी, जो अपने पहले पति की नहीं हो सकी, जो अपने दूसरे पति की नहीं हो सकी, जो अपने देश की नहीं हो सकी, और वो राष्ट्रीय भाभी और राष्ट्रीय प्रेम हो गया उससे, और उसी को मुद्दा बना के आप महीनों महीनों चलाते रहेंगे। सीमा आए जाए, सीमा पार हो जाए, उसको तो लात मार के सीमा पार कर देना चाहिए था। पाकिस्तानी औरत पे आपको क्यों इतना भरोसा हो गया? पाकिस्तान से वो आई ना, जो पति को छोड़कर आई है उससे आपका प्यार हो गया जबरदस्ती, और मैंने सारा आप राष्ट्रीय भाभी भी घोषित कर देंगे, आप राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं क्या? कैसे हो जाएगी वो औरत जिस औरत में संस्कार ही नहीं है, कोई औरत वाली संस्कार, कोई औरत वाला लक्षण ही नहीं है, ना वो किसी की माँ बनने लायक है, ना वो किसी की बहन बनने लायक है, ना वो किसी की बेटी बनने लायक है, ना वो किसी की पत्नी बनने लायक है, वो तो घुमक्कड़ है, घूम रही आज यहाँ कल कहीं और चली जाएगी, हो सकता है वो जासूस भी हो सकता, बता रहा हूँ। ये तो आईबी का मामला है, ये तो इंटेलिजेंस का मामला, ये हमारा मामला नहीं, ये पुलिस समझेगी, एटीएस समझेगी, जांच हो रहा कर रही है, करने दीजिए। जबरदस्ती मुद्दा बने सीमा के बारे में आप क्या कहते हैं? अब हम कुछ नहीं कहना चाहते, तुम जबरदस्ती पूरे दिन भर सीमा सीमा सीमा, सारी सीमाओं को पार कर दिया आपने सीमा सीमा करके, क्या मतलब है सीमा से? सीमा से किसी भारतीय का कोई लेना देना है? दो देशों के बीच झगड़ा खत्म होकर प्रेम का बढ़ावा मिल रहा है। झगड़ा खत्म नहीं हुआ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, आपको पता ही नहीं है। उधर से सीमा आई राष्ट्रीय भाभी, उधर पाकिस्तानी अंधभक्तों की भी दो भाभी चली गई है भारत से, ये आपको पता है या नहीं पता है? पता है ना, तो ये खेल है, ये कौन है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है? क्या ड्रामा है साहब? आप हमारा मुद्दा रोजी रोटी है, हम भूखे खाना मांग रहे हैं, हम नंगे कपड़ा मांग रहे हैं, हमारा मुद्दा सुरक्षा है, हम असुरक्षित हैं, हमें मारा जा रहा, हमारी बहनों को, भारतीय नारियों को, संस्कारी नारियों को, कारगिल युद्ध के विजेता की पत्नी को नंगा घुमाया जा रहा, आपको सीमा सीमा नजर आ रहा, सीमा की बात क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं विनती करता आप लोगों से, कम से कम गोदी मीडिया की तरह आप लोग मत कीजिए, ट्रेंड में है सीमा, चल जाएगा? नहीं चलेगा, सीमा चलेगा रोजी का, रोटी का, पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का, कमाई का, सड़क का, बिजली का, पानी का, ये हमारा मुद्दा है साहब। हम आजीविका के लिए परेशान है, बेरोजगारी फैली हुई है, नौजवान भटक रहा है, लोग क्राइम कर रहा है, लोग तमाम तरह के कानून व्यवस्था हमारा मुद्दा है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को कुचला जा रहा है, ये हमारा मुद्दा है। सीमा तीमा से हमारा क्या लेना देना? जो खुद कई सीमाओं को पार कर चुकी वो सीमा के में है क्या? हमारे भारत के संस्कार में कहा जाता लक्ष्मण रेखा, याद है आपको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने जो रेखा खींची थी, लक्ष्मण रेखा, रेखा को लांग, ये तो उसी रेखा को सीमा भी कहते हैं, तो जो सीमाओं को लांग चुकी है उस सीमा पर मैं क्यों बात करूं?
मेरा क्या लेना देना। उसने सारी सीमाओं को, धार्मिक सीमाओं को, राजनीतिक सीमाओं को, मैंने देश की सीमाओं को, सबको लांग दिया भाई, तमाम परंपराओं को तार तार कर दिया। वो तो चौथी पांचवी पति है, उसका पति है। फिर मैं कैमरे पर बोल दूंगा कुछ तो मालूम होगा कि महिला का अपमान आप बोल देंगी। वो सचिन पति कब का हो गया उसका, और कैसे हो जाएगा? न हिंदू धर्म के हिसाब से पति बन सकता, न इस्लाम के हिसाब से पति बन सकता है। वो जब तक तलाक नहीं होगा उसका तो शादी कैसे होगी, ये बताइए। और भाभी कैसे आपने घोषित कर दिया, वो रखेल था। राम, मैं बोल राम को मानते हैं है? राम को मानते हैं? अरे वो राम को माने तब भी विवाह नहीं हो सकता। आप मानते हैं? नहीं, राम को मानते, राम को कौन नहीं मानता? मानने का क्या मतलब राम के? फिर तो हिंदू राष्ट्र स्वीकार होगा। मतलब हिंदू राष्ट्र मानते हैं, मोदी को नहीं मानेंगे प्रधानमंत्री? अरे भाई प्रधानमंत्री है ये मानिएगा कि नहीं मानिएगा? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आप मानिएगा कि नहीं मानिएगा? बोलिए हाँ या ना, तो फिर तो आप भाजपा में हो गए। अरे भाई वो प्रधानमंत्री है ये हम मान रहे हैं, भाजपा ही थोड़ा ना है। राम हिंदू राष्ट्र पर क्या कहेंगे, बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र, बनना चाहिए कि नहीं? हिंदू राष्ट्र तो दिख रहा है ना भाई आपको, हिंदू राष्ट्र की वानगी ही तो है, झलक ही तो है। ये जो मणिपुर का ड्रामा है, ये जो गुजरात में दिखाया गया था दृश्य, ये ही सब तो हिंदू राष्ट्र में होगा। और क्या होगा, मार दिया जाएगा दलितों, आदिवासियों, पीड़ितों, वंचितों, शोषितों को कोई नहीं पूछने वाला है। पुलिस बेलगाम हो जाएगी, ज्यादा बोलोगे तो हत्या हो जाएगी। जैसे शंभुक का गला काट लिया गया, हिंदू मारते हैं। जैसे एकलव का अंगूठा किसने काट लिया था, क्यों काट लिया था, शंभू की हत्या क्यों हो गई थी, सवाल है ना। तो ये वही हिंदू राष्ट्र होगा, जहाँ बहुत सारी बातें मैं कह नहीं सकता हूँ, संवेदनशील मुद्दे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की वानगी है। भारत में जो संविधान है, दुनिया में सबसे प्यारा संविधान कहा जाता है। कहा जाता है कि इतना अच्छा संविधान देश के दूसरे देशों के पास है भी नहीं। ए भाई आपको क्या परेशानी इस व्यवस्था से जो आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको परेशानी है। भारत का संविधान दलितों को अधिकार देता है, पिछड़ों को अधिकार देता है, आदिवासियों को अधिकार देता है, अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, महिलाओं को अधिकार देता है। ये अधिकार की बात करता है, समता की बात करता है, इक्विलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। आप जो है अधिकार छीनने की बात करते हैं। बस इतना ही अंतर है भारतीय संविधान में और हिंदू राष्ट्र में, इतना सा अंतर है। अब इसको आप दाएं घुमा के बात कीजिए, बाएं घुमा के बात कीजिए, पत्रकार लोग घुमाना फिराना जानते हैं, लेकिन सीधा सिंपल बात है, भारत में एक संविधान है और भारत में संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी भारतीयों की है। हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समाज को हम चाहते हैं जिसमें सीमा बीमा पर बहस ना हो, ऐसे समाज की परिकल्पना हमारी। मणिपुर पर आते हैं, मणिपुर की जो स्थिति है, अभी जो हालात निकल कर आए हैं, उस पर क्या कहेंगे? कोई भी भारतीय से आप पूछेंगे तो क्या कहेगा, मोदी जी को छोड़कर, मनोज तिवारी को छोड़कर, अमित मालवीय को छोड़कर, भाजपा के आईटी सेल को छोड़कर, सभी का दिल रो रहा, सभी का मन विचलित है, सभी दुखी है इस दृश्य को देखकर। लेकिन अमित मालवीय कह रहे हैं कि ये तो अब्दुल ने किया। भाजपा के एक मुख्यमंत्री कहते हैं टमाटर और सब्जी जो महंगा हो गया है मियां मुसलमान ने कर दिया, मेट्रो का किराया महंगा हो गया है मियां मुसलमान ने कर दिया, बिजली कंपनी प्राइवेट हाथों में दे दी ये मियां मुसलमान ने कर दिया, सेल बेच दिया ये मियां मुसलमान ने कर दिया, गेल बेच दिया ये मियां मुसलमान ने कर दिया, रेल बेच दिया ये मियां मुसलमान ने कर दिया, पूरा आसमान बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया मियां मुसलमान ने किया। ये तो ड्रामा हो रहा है इस देश में। ये तो SC ST OBC को समझना पड़ेगा कि ड्रामा क्या हो रहा। हर ड्रामे को मियां मुसलमान अब्दुल से जोड़ रहा और कह रहा अब्दुल का नट टाइट कर देंगे, नट टाइट हो रहा, पेट्रोल चाहे 500 रुपये लीटर हो जाए, अब्दुल का नट टाइट होना चाहिए, देश में चाहे हमारी बहनों को नंगा घुमा दिया जाए, अब्दुल का नट टाइट होना चाहिए, कुछ भी हो जाए नट जरूर टाइट कीजिएगा। तो ये नट टाइट में अगर आप लोग समर्थन में है तो आपको मुबारक हो अब्दुल का। ऐसा नाराजगी दिख रही है आपके अंदर? नहीं, नाराजगी क्या बात है, यही माहौल बन रहा, यही समझाया जा रहा। अभी मणिपुर पर अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया वो आपने देखा कि नहीं देखा? ANI ने जो न्यूज चलाया, उन्होंने भी कहा कि मन रो रहा है, कार्यवाही की जाएगी। कांड अब्दुल ने किया, मतलब मणिपुर के बाद ये बिहार, यूपी, बंगाल में भी दंगा करवाना चाह रहे थे। ये ट्वीट करने का क्या मतलब हुआ कि ये कांड अब्दुल ने किया, मतलब चाह रहे थे झारखंड का आदिवासी भी वहां मुसलमान पर हमला बोल दे। ये तो दो ही ऐसी घटना है कि मिनटों में हो सकती थी, लेकिन ये समय रहते ही कुछ चैनल वाले मैदान में आए और उन्होंने कहा कि ये गलत है। अगर ना गलत कहा गया होता तो दंगे फसाद हो गए होते। और अभी वो जो बेबी नाचे लो BRP के ठुन ठुन ठुन, कौन है वो नेता,
अरे मनोज तिवारी, मनोज तिवारी ने आज कहा है कि विपक्ष के लोग नामर्द हैं। अजीब तमाशा है भाई, और विपक्ष वाले भी साबित कर रहे हैं कि सही में हम नामर्दे हैं, सड़क पे उतरने में डर रहे हैं। ये सड़क पे विपक्ष के लोग हैं, ये सड़क है। अरे सदन में तो वो नेता है जो राज्यसभा लोकसभा में। आप चाहते हैं कि सब आपस में लड़ मरे? नहीं, लड़ क्यों मरे? विपक्ष का काम है सड़क पे बैठना। सड़क अगर सुनी हो जाएगी तो सदन, संसद आवारा हो जाएगा, वो हो गया। बेलगाम सरकार हो जाएगी, वो हो गया। मनमानी करने लगेगी, वो हो गया। आप लड़ने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष भी हिंदू मुसलमान कर रहा, विपक्ष भी हिंदू मुसलमान कर रहा, कांग्रेस भी हिंदू मुसलमान कर रही है, सपा भी हिंदू मुसलमान कर रही है, सब लोग उसी ट्रैक पर हैं, उसी रास्ते पर हैं। आप एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, देश कहाँ जा रहा? ये बात ठीक है, आप भाजपा कर रही है, भाजपा तो खुली किताब है, आप भी छुप के वही काम कर रहे हैं। आप मंच पर किसी मौलाना को बैठने नहीं दे रहे चुनाव में, कोई ना अखिलेश पूरे चुनाव में किसी मौलाना को, किसी मुसलमान को अपने साथ मंच पे आने नहीं दिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुस्लिम परस्त हम हो जाए। अरे भैया, भाजपा का एजेंडा है ये, आप उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हो, आप उसी रास्ते पर चल रहे हो, आप उस एजेंडे को बेनकाब कीजिए। आप कहिए कि इस देश का मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, इस देश का मुद्दा रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई है। इस देश का मुद्दा जो है सड़क बिजली पानी है। इस देश का मुद्दा है यातायात की व्यवस्था सही हो। ट्रेनों में जानवर की तरह भर के जाते हैं लोग, आप लोग का आँख नहीं है क्या? देखे ना जाके चालू डब्बे में। आप कहते यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, आपके औकात है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की? आप एक ट्रेन एक जैसा नहीं बना सके। आप जाइए संपूर्ण क्रांति में, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, एसी थर्ड, पूछो पहले सरकार से। जब सबके लिए एक व्यवस्था है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके लिए है? स्लीपर चालू, चालू में जानवर से भी बदतर लोग जाते हैं 300 रुपये का टिकट कटा के। देश को आप एक सुविधा नहीं दे सकते, एक तरह की पानी नहीं दे पा रहे हैं, एक तरह की सड़क अब तक नहीं बना पाए आप। गांव में अभी भी जो है अंडोले मंडोले वाला रोड बना हुआ है, अभी भी लोग ऐसे ऐसे करके बस चल रहा है। आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, मुस्लिम महिलाओं को न्याय देंगे? अपनी महिला को तो दिए नहीं न्याय, महिलाओं का तो नंगा नाच करवा रहे हो देश में, महिलाओं का परेड करवा रहे हो नंगा, और मुस्लिम महिलाओं, ये मुस्लिम महिला प्रेम इनको हो गया, ये अलग बीमारी है मोदी जी में। इनका जितना प्यार है सब मुस्लिम महिला से, ना अपनी बीवी से प्रेम है, नहीं अपने जाति से प्रेम ही नहीं हो, मुस्लिम महिला से प्रेम गुजरे चले जा रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है, मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत जुल्म हो रहा। कहाँ पर हो रहा जब बता दो हमको, रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ, चलो कोर्ट में दिखाते हैं। मैंने रोहिणी कोर्ट में RTI लगा के रिकॉर्ड निकाला, 4% मुस्लिम महिलाओं का डिस्प्यूट का मुकदमा, सारे नॉन मुस्लिम के हैं। ड्रामा पूरे देश के माहौल को, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, नहीं मिलेगा तो मंदिर घुसेड़ देंगे। अयोध्या खत्म हो गया तो अब काशी आएगा, काशी खत्म होगा तो मथुरा आएगा, मथुरा खत्म होगा तो 40,000 मस्जिद को मंदिर पर झोंक दो इस देश को। ये लोग बड़ी मेहनत से इस देश को आज़ाद, वो जो कहा ना लाया हूँ कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, वो सुनिए पहले, देश के लोगों सुन लो उसको, किस कुर्बानी के साथ इस देश में इस व्यवस्था को बदला गया था, संवैधानिक राज लाया गया था। ये मुट्ठी भर गिरोह जो है ये देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। मोदी सबसे बड़ा देशभक्त है। हम संविधानिक व्यवस्था चाहते हैं, भारत में संविधान पर बात हो, रोजी पर बात हो, रोटी पर बात हो, पढ़ाई पर बात हो, लिखाई पर बात हो, स्कूल पर बात हो ना, अच्छी व्यवस्था दीजिए ना, ड्रामा मत कीजिए ना, तुम अच्छा पढ़ा रहे हो, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरा स्कूल देखो, तेरा स्कूल देखो, अरे पूरे भारत के स्कूल एक जैसा करके दिखाओ। यूनिफॉर्म स्लेट कोड, स्लेट कहते हैं पढ़ने को, यूनिफॉर्म फ्लैट कोड, झुग्गियों में रहते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में जाओ, हर लाल बत्ती पर भीख मांगने वाले मिले हुए हैं, पन्नी तान कर हर फ्लाई ओवर के नीचे, नाले के मच्छर के किनारे भरमनाते पन्नी पे लोग पढ़ाओ, भारत का है कि नहीं है? एक तरह का फ्लैट दे नहीं सकते, एक तरह का स्लेट पढ़ाई नहीं दे सकते। यूनिफॉर्म प्लेट कोड लाओ ना एक जैसा, 5-स्टार होटल में जितना जूठन फेंक देता है ना शादी में ब्याह में, वो हमारा गरीब जो है ना वो कचरे से रोटी उठा के खा रहा, मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। न फ्लाइट कोड लाएंगे, न सिलेट कोड लाएंगे, न पढ़ाएंगे बराबर, न लिखाएंगे बराबर, न इलाज कराएंगे बराबर, बस खाली मुझे महिला को अधिकार देना बराबर। जनता को मोदी ही चाहिए। अब भाई जनता को चाहिए, जनता अगर ठान लेती है तो जनता का तो हम विरोध कर नहीं सकते, जनता के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, वो हमारा कर्तव्य भारतीय होने के नाते वो हम करते हैं, वो करेंगे। कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल है उनका। अरे भाई समर्थक सबके होते हैं, अगर उनके समर्थक कह रहे हैं तो आप उसको क्या कहिएगा, गोली मारिएगा, मारपीट कीजिएगा, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। आप क्या कहते हैं? नहीं ठीक, वो उनके समर्थक कहते हैं, हम आम भारतीय होने के नाते कहते हैं आपको ये देखना है संवैधानिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो,
सब लोग अपने कर्तव्य का पालन कैसे करें, ये मुद्दा हमारा। सबके कर्तव्य हैं, पुलिस के कर्तव्य हैं, सेना के कर्तव्य हैं, न्यायपालिका के कर्तव्य हैं, आम नागरिकों के कर्तव्य हैं, शिक्षक के कर्तव्य हैं, डॉक्टर के सारे लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करें, वो व्यवस्था क्यों कैसे बने, लूट खसोट कैसे बंद हो, निजीकरण पर कैसे लगाम लगे। हम राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, आप निजीकरण की बात करते हैं, तो आपको निजीकरण अगर बेमिसाल लगता है तो आपको मुबारक हो, हमको राष्ट्रीयकरण चाहिए। हर बैंक का राष्ट्रीयकरण, हर भारतीय चीज़ों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण मोदी ने ही खत्म किया है ऐसा कहते हैं। वो सब जब सरकार बदलेगी तो पता चलेगा, अगर बदल गई तो कि किसने खत्म किया है। अभी का क्या जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी इंतजार कीजिए। तो क्या लगता है सरकार बदल जाएगी? नहीं, ये मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ ना, कि मैं वो बाबा भी नहीं हूँ, वो कौन है बागेश्वर कि पर्ची निकाल दूँ। मैं पर्ची भी नहीं निकाल सकता हूँ और मैं ज्योतिष भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश तो करूँगा बदलने, कोशिश करूँगा, बिल्कुल करूँगा, व्यवस्था बदलने की, सरकार बदलने की वो कोशिश करता रहूँगा। किसको लाना चाहेंगे? हम संविधानवादियों को लाना चाहेंगे। कौन है? अम्बेडकर वादियों को लाना चाहेंगे। हम उस व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं जिसकी पूर्ण आस्था भारतीय संविधान पर हो, जो भारत के आम लोगों की बात करे, गरीबों की बात करे, मजदूरों की बात करे, मजलूमों की बात करे, नौजवानों के रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, हम उसके लिए करेंगे। आप नाम देकर विवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम बोल दें कि राहुल गांधी को लाएंगे? नहीं, लीजिए कैमरे पर बोल रहा हूँ, मैं किसी कीमत पर राहुल गांधी या कांग्रेस के आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, हम दोनों को एक जैसा मानते हैं। आप बताइए, तो कोई होगा ना, कोई है, आएगा ना, क्यों घबरा रहे हैं? यही लोग पहले कांशीराम के समय में सोचते थे। आया ना, एक लेडी आई, चार बार मुख्यमंत्री बनी ना भाई। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, लोग हैं ना, अभी तो ढुलमुल ढुलमुल है, कभी राजभर उधर भाग जा रहे हैं, कभी मोरिया उधर भाग रहा है, कभी चंद्रशेखर, अभी चलेगा, चलेगा कुछ दिन तक, कभी रामदास अठावले भाग जा रहे हैं। जिस दिन ये सब लोग एक जगह आ गए तो उसी दिन गेम हो जाएगा, कोई राहुल गांधी नहीं, कोई मोदी नहीं, कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं। तीसरा, बहुजन सरकार, दलित प्रधानमंत्री और बहुजन सरकार, ये हमारा मैनिफेस्टो। तो दलित राष्ट्रपति तो है ही। फिर राष्ट्रपति, अब क्यों हमसे विवाद में हमको डलवाना चाह रहे हैं आप? क्या डर लगता है? स्टैंप, रबर स्टैंप होते हैं, सब जानता है भारत में। भारत में राष्ट्रपति का काम अलग है। राष्ट्रपति को जब उद्घाटन में आप नहीं लाए संसद के, तो आप समझ जाइए उनका कितना बड़ा पावर, कितना बड़ा अधिकार है। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए कैमरे पर। सब लोग भारत के जानते हैं कि प्रधानमंत्री ही प्रमुख होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री ही प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है, मुखिया होता है, और उसी के हाथ में वो चाबी होती है, जिधर चाहेगा घुमा देगा। हमें प्रधानमंत्री दलित चाहिए। तो साफ तौर पर आपने सुना कि जो है दलित प्रधान जो है वो मुखिया चाहिए और सत्ता बदलने की पूरी कोशिश की जाएगी। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी।